दूसरे साइड में चल रहा है 24 आवर्स, वहाँ पर लिखा हुआ है 30 मिनट। लोग जो है सफ़ा कर रहे हैं, उसके लिए दौड़ रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये मेंस के लिए बना रखा टॉयलेट एरिया, मतलब रात के 12:30 बज रहे हैं और इतना क्राउड है, मतलब हमेशा आपको यहाँ पर क्राउड मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी यहाँ के रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे के टाइम की रौनक देख लीजिए मार्केट की, कितनी ज़्यादा रौनक हो रही है। रात के 12 बजे भी मार्केट में यहाँ पे खुली हुई है। चलो आज मक्का घूमते हैं रात के 12 बजे, दिखाते हैं हम लोगों को मक्का का नज़ारा कैसा है यहाँ का मार्केट का रात के 12 बजे। मक्का वाला भूख है, साइड सब बंद कर दिया है। अभी रात के 12 बज रहे हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत बाजार है। लोगों ने होटल नहीं लिया, वैसे सो रहे अपना, मतलब ये लोग 15 से 20 रियाल बचा रहे हैं लोग यहाँ पे सो के आराम से। मतलब यहाँ पे जो है 24 आवर्स लोग उमरा और हज के लिए जाते रहते हैं, देख सकते हैं एक ग्रुप ये जा रहा है अभी उमरा करने के लिए, माशाल्लाह। ये लोग मतलब अभी आए होंगे, निकासी लोगों ने वो बांधा एहराम, एहराम बांध के अब ये लोग उमरा करने के लिए जा रहे हैं। अभी रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग 5 बंदे आए थे दवाम से उमरा करने के लिए और मेरे रूम में 4 लोग सो रहे हैं। कहा जाता है, जैसे मैंने सुना है कि रात में जो 12 बजे के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इतने दूर से हम लोग आए हैं यहाँ पे तो सोने से अच्छा है क्यों ना यहाँ पे हम लोग दुआ मांगे, है ना, पूरी रात इबादत करें, इंशाल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। तो अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं यहाँ पे उमरा करने या हज करने के लिए तो कोशिश कीजिए कि रात में सोए ना, 2 से 3 दिन की बात होती है, 2 से 3 दिन कसरत के साथ यहाँ पे इबादत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ जो है कबूल करेगा। हम उम्मीद करते हैं, बोलते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआएं जो है कबूल नहीं करता है, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला के लिए क्या करते हैं, कभी हमने ये पूछा नहीं पूछा। जब हम लोग इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के लिए कुछ करेंगे नहीं, तो फिर वो हमारी दुआ कैसे कबूल करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश किया करें कि उनके लिए कुछ करें, जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है वो हम लोग काम करते नहीं हैं। कल के दिन हम यहाँ से जाएंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जब मैंने आपको दुनिया में भेजा था तो आपने मेरे लिए
क्या किया या दुनिया के लिए क्या किया, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि आपने दिन के लिए क्या किया। तो इसलिए जब भी आप ऐसी जगह पर जाएं तो पूरी प्रैक्टिस और सारी चीज़ की डिटेल्स लेके जाएं कि कैसे उमरा किया जाता है, कैसे हज किया जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो है इंशाल्लाह उमरा हज जो भी हो कबूल हो जाएगा। इसलिए अगर बात की जाए हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की, तो जब हम अगर आप बात की जाए अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की, तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहाँ पे इस्लाम के लिए या मज़हब के लिए कुछ करना होता है, तो हम लोग सीख के नहीं जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नियत कर लीजिए, नियत कर लेंगे सब कुछ कबूल हो जाएगा, आप लोगों को माफ़ कर दीजिएगा। अगर ऐसा होता तो ये चीज़ें बनाई की गई होती, अगर ऐसा होता तो ये चीज़ें बनाई की गई होती और हमारे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें फॉलो की गई होती। अगर बात की जाए कि हाँ नौकरी पे जाना है या आपके पास नौकरी नहीं है उसको पाना है, तो आप लोग क्या करते हैं उस नौकरी पाने के लिए बड़ी मशक्क़त के साथ उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, दिन और रात इंग्लिश बोलने के लिए, कैसे इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें के लिए आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि इंटरव्यू में पास हो जाएं और पैसा थोड़ा कमाएं। जब इस्लाम की बात की जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग सीखते नहीं हैं, क्योंकि नौकरी के लिए हम लोग इसलिए सीखते हैं क्योंकि वहाँ से हमें क्या है पैसा मिलेगा, इसलिए ना। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि अगर आप नमाज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ना सीख लेंगे या जो भी काम है वो सीख के जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि अल्लाह ताला आपको अच्छी रोज़ी देगा, अल्लाह ताला आपके रोज़ी में जो है बरकत देंगे, तो वो फ़ायदा होगा। ये भाई खजूर दे रहे हैं तो खजूर ले लीजिए, शुक्राना। तो ऐसे कहीं पे भी अगर कुछ दिया जाए तो उन लोगों के लिए उन लोगों से ले लिया करें। अभी जब मैं उमरा करके जा रहा था तो देखा कि एक बच्ची थी पानी लेके घूम रही थी, पानी लेके दे रही थी, लेकिन कोई ले ही ना था। ऐसे अगर आपको ज़रूरत भी नहीं है तो ऐसे लोगों से आप पानी या जो भी फ्री में दे रहे हैं, फ्री में तो दे रहे हैं, पैसे तो ले नहीं रहे, तो आप ले लिया करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सीखने की कि हम लोग जब ऐसे जगह पे आते हैं तो हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग सीधा बोलते हैं कि नियत हमने कर ली है अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आप आएँ कुछ भी करने के लिए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो 10 दिन पहले किसी ओलमा के पास जाएँ, यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी हैं। हम इंटरव्यू करना होता है, इंटरव्यू पास करने के लिए हम क्या करते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि ऐसे पास हो जाए वैसे पास हो जाए, लेकिन जो है हम जब इस्लाम की बारे में आती है, जब हमारी जब इबादत की बात आती है कि इबादत कैसे करना है, तो हम उस टाइम पे क्या है कोई प्रैक्टिस कोई कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करें किसी भी काम के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करेगा, अल्लाह ताला आप लोगों के रोज़ी में बरकत देगा। क्लॉक टावर के पास आ गए फाइनली। ये रात का टाइम है 12 बजे का और अभी यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं है, खाली है। उमरा करने के लिए काफ़ी वीडियो मौजूद हैं YouTube पे और एप्लीकेशन है, जिस जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी।
सीखने के लिए। या जब भी आप यहाँ पे आएँ तो क्या करें, उस एप्लीकेशन को खोलें, जब आप उमड़ा के दुआ कर लिया हो उस टाइम से आप उस एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं, पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई अगर दुआ याद नहीं है तो आप दुआ पढ़ के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हाँ अगर आपको दुआ याद नहीं है तो आप मोबाइल में देख के पढ़ रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप उमरा करते दरमियान आप आराम से मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होती है या किताब मिलती है बाज़ार में, वो किताब लेके आप पढ़ सकते हैं। जो जो दुआ पढ़ी जाती है वो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ के सीख सकते हैं। देखो क्लॉक टावर में अभी कितने बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो आप 12:30 बज रहे हैं। तो मैं 12:30 बजे रात को यहाँ पे हूँ, दूसरे साइड में चल रहा है 24 आवर्स, वहाँ पर लिखा हुआ है 30 मिनट्स। तो मैं रात में हूँ, ना कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पे आया हूँ। सोच रहे होंगे आप लोग कि वीडियो बनाने के लिए मैं टाइम गलत बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हरम शरीफ के जाने के लिए इस साइड से जाना है। देखिए ये टॉयलेट एरिया बना रखा है यहाँ पे, ये मेंस के लिए बना रखा है टॉयलेट एरिया। यहाँ पे सारे मेंस आते हैं टॉयलेट करने के लिए, एंटर यहाँ से है। ये वजू बनाने के लिए है। हमेशा जो यहाँ पे सफाई चलती रहती है। ये हरम साइड के साथ जा रहा है। ये देखिए अभी भी लोग जो है उमरा परफॉर्म कर रहे हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। एक ग्रुप आया हुआ है उमरा करने के लिए। ये ग्रुप तक वर्ल्ड ट्रैवल, देखो यहाँ पर टीच बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे आप लोगों को उमरा करना है। और ऑस्ट्रेलिया से ये ग्रुप आया हुआ, माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से ये ग्रुप आया हुआ है उमरा करने के लिए, माशाल्लाह। देखिए ये लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं यहाँ पे उमरा करने के लिए, मतलब पूरा वर्ल्ड आता है यहाँ पे उमरा करने के लिए। देखिए एक और ग्रुप आया हुआ है, इसमें औरत जेंट्स सारे मिक्स होते हैं इस ग्रुप में। उस साइड से जो है एंट्री है हरम शरीफ के लिए। यहाँ पे लोग जो है सफा कर रहे हैं, उसके लिए दौड़ रहे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, रात के 12 बजे देखिए इतनी भीड़ है, मतलब 12:30 बजे रात को इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैं तो सोच रहा था कि मतलब खाली होगा, लेकिन तो उल्टा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये ग्रीन लाइट है यहाँ पे, जो बोला जाता है कि आपको जो जेंट्स होते हैं उनको दौड़ के जाना होता है, जैसे ये लोग जा रहे दौड़ के।
ये दूसरा साइड है, यहाँ से भी लोग दौड़ के आते हैं और इस साइड जाते हैं। ये टू मताफ इस टाइम खाली है, जब मैं इवनिंग में आया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे, अभी जो है खाली है। मतलब आप इस टाइम इजीली अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र कबूल करवाएं। बिलीव नहीं हो रहा है, मतलब रात के 12:30 बज रहे हैं और इतना क्राउड है। मतलब हमेशा आपको यहाँ पर क्राउड मिलेगा, आप ये ना सोचें कि रात हो दिन है सुबह है क्या है, क्राउड जो है आपको यहाँ पर हमेशा मिलेगा। चलो मैं आप लोगों का थर्ड फ्लोर से भी दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। मुझे वहाँ मना कर दिया जाने के लिए, क्योंकि मैं अभी एहराम की हालत में नहीं हूँ, तो जो जिन लोगों ने एहराम बांध रखा है वो लोग जा रहे हैं, जो लोग तो उम्रा करने की नीयत सारे उन लोगों को जाने दिए जा रहे हैं। तो कल मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए वहाँ के बारे में। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, तो अलविदा बोलना चाहता हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ से हम मैं निकलूँगा मदीना के लिए, तो मैं आप लोगों को मदीना की वीडियो बना के भेजूँगा।